यमुना एक बार फिर से उफान पर है। सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 205.75 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि रात को 8 बजे यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर दर्ज किया गया था। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा हुआ है। वहीं निचले इलाकों में जल भराव से परेशानी और बढ़ गई है। अब भी हजारों लोग राहत शिविर को मजबूर हैं। यमुना में जलस्तर खतरे के निशान का जो स्तर है वो 205.33 मीटर का है। और बड़ी बात यह है कि आफत अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। बाढ़ और सिंचाई विभाग के अफसरों का कहना है कि यमुना के जलस्तर में अभी और बढ़ोतरी होगी और यह संभव है कि जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी बाढ़ प्रभावित हैं। ऐसे में जलस्तर एक बार फिर खतरे की घंटी बजा रहा है। और इस वक्त तरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त है और अभी की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार फ्लड डिपार्टमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? जलस्तर मेंटेन रहेगा या कयास लगाए जा रहे हैं कि जलस्तर थोड़ा और ऊपर जा सकता है और इसका प्रभाव कितना पड़ेगा रिहायशी इलाकों में? देखिए, बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया है। कल दोपहर 3 बजे से ही यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया था। 2 बजे 205.32 मीटर के मार्क के ऊपर था और उसके बाद रिस्पेक्टिव आवरली बेसिस के ऊपर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस समय जो यमुना का जलस्तर है वो सुबह का 9 बजे का मार्क है 205.79 मीटर, यानी कि जो 205.33 का मार्कर है खतरे के निशान का, उससे कहीं ऊपर यमुना का जलस्तर इस समय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह की स्थिति हमें 13, 14, 15 जुलाई के दिन देखने के लिए मिली थी कि ऑल टाइम हाई यमुना का वाटर लेवल था, जिसके कारण कई इलाकों के अंदर फ्लड आ गया था, खासतौर पर निचले इलाकों में और रिंग रोड तक के ऊपर पानी आ गया था, तो इस समय सबसे पहले मैं आपको ITO बैराज की तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर नेवी का ऑपरेशन भी चला था और हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले 5 गेट्स को खोलने की कोशिश की गई थी, जिसमें नेवी को आंशिक सफलता हालांकि ज़रूर मिली थी, लेकिन अभी भी पूरे गेट्स खोले नहीं गए हैं। जहाँ तक सवाल है कि दिल्ली के अंदर यमुना का वाटर लेवल कितना जा सकता है, पूर्वानुमान कितना है, तो CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन से सुबह अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि दोपहर तक ये 206 मीटर के आसपास मार्क दर्ज किया जा सकता है। यानी कि अगर आप ये कहें कि स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो जाएगी या फिर जो एक्सट्रीम लेवल है 13-14 जुलाई का 208.66 मीटर का जो मार्कर रहा है ऑल टाइम हाई, वहाँ तक यमुना पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, तो इसका कोई पूर्वानुमान नहीं है कि ऑल टाइम हाई जाने का एक बार फिर से सिलसिला शुरू होगा, एक तरह से फिर से खतरा दिल्ली के ऊपर या फिर आसपास के लो लाइंग एरियाज के ऊपर मंडराएगा। CWC का प्रेडिक्शन 206 मीटर के आसपास ही दिखा रहा है और उसके बाद निर्भर करेगा कि येलो अलर्ट कई नेबरिंग स्टेट के ऊपर IMD का गया हुआ है, यानी कि हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में कितनी बारिश होती है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि यमुना का दिल्ली के अंदर फ्लड लेवल कितना हाई जाता है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर बारिश कितनी होती है ये भी फैक्टर डिमांड करेगा कि वाटर लेवल यमुना का कितना जा सकता है। लेकिन जो बाकी पैरामीटर्स हैं, जो हथनीकुंड बैराज से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा आशंका या हाय तौबा करने जैसी स्थिति नहीं बयां कर रहा है। 206 मीटर का मार्कर ऐसा है जो कंफर्टेबली दिल्ली से चला जाता है आउटफ्लो होकर यमुना की उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर। लिहाजा जब तक लो लाइंग एरियाज का मार्कर यमुना का, खासतौर पर यमुना बाजार, गड़ी मांडू, उस्मानपुर या इस तरफ चले जाएं तो चिल्ला, बदरपुर या फिर मयूर विहार, जहां पर खासतौर पर खेती बाड़ी का काम होता है ओ जोन के अंदर, वहां पर इस समय लोगों का वापस जाना रिस्क है। कल भी हमने देखने के लिए मिला था कि एक बोट क्लब के ऊपर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, सिग्नेचर ब्रिज के पास कोई व्यक्ति चला गया था, उसने शराब पी हुई थी और वो यमुना के अंदर डूब गया था। तो इस तरह का एडवेंचर अगर आप करेंगे और अगर आप मदहोशी के अंदर वहाँ पर यमुना लो लाइंग एरियाज में जाएंगे या फिर अपने मवेशियों को लेकर इस मंशा के तहत जाएंगे
कि अब पानी जा चुका है और अब उनको कोई खतरा नहीं है, वापस से खेती बाड़ी की जा सके, वापस से दूध दोहन का काम किया जा सके, तो कम से कम ये आने वाले एक हफ्ता और 10 दिन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा 25,000 से ज्यादा जो लोग रिलीफ शेल्टर्स में इस समय सरकारी मदद पा रहे हैं उनके लिए कम से कम एक हफ्ता और 10 दिन लो लाइंग एरियाज में जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जान का भी नुकसान हो सकता है, इस बात की आशंका है। तरुण, दिल्ली के लोगों के लिए ये जो मानसून सीजन है वो बड़ा कष्टदायक रहा है। पिछले कई सालों में दिल्ली ने इस तरीके से इतना लंबा जो टेन्योर है वो बाढ़ का नहीं देखा। और बड़ी बात यह है कि अभी देखिए मानसून के सीजन की अगर हम बात करें तो ये अभी फर्स्ट हाफ है, अभी कहिए तो पूरा अभी मानसून आधा से ज़्यादा बाकी है। और ये जो परेशानी है जो कई जगहों पर अभी भी पानी भरा हुआ है, पानी खत्म नहीं हुआ है, तो हो संभव है जिस तरीके से हम पिछले कई सप्ताह से देख रहे हैं स्थिति, दिल्ली के लोगों की परेशानी अभी आने वाले कुछ हफ्तों तक कम नहीं होने वाली है। देखिए आयरनी ही है, मॉनसून जब आता है तो लोगों को बरसात का इंतज़ार होता है, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती है, उमस से राहत मिलती है और तापमान में आर्द्रता बढ़ती है, लिहाजा पसीना तो आता ही है लेकिन बारिश होती रहती है तो उसका एहसास कम होता है। लेकिन दिल्ली का जो सीवेज सिस्टम है वो आयरोनिकली पिछले कई सालों से डिमांड कर रहा है कि उसको और बड़े स्तर के ऊपर फैलाया जाए, यानी कि जो वॉल्यूम होता है सीवेज का वो और ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत है। और सालों पहले जब ये सीवेज सिस्टम डला था उसके मुताबिक तो 10 गुना 15 गुना ज़्यादा दिल्ली की आबादी हो गई है, लिहाजा जो सीवेज का वाटर रिलीज होता है वो क्षमता के मुताबिक उसका सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है। ये एक आयरनी ही है कि आधा घंटा या एक घंटा ही बारिश होती है तो दिल्ली के अंदर जलभराव देखने के लिए मिलता है। और शीला सरकार के वक्त से, या फिर ये कहें कि 1993 से जब से मदनलाल खुराना की भी दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार रही है, तब से दिल्ली दंज झेलती आई है कि बॉल गेम होता रहता है कि पीडब्ल्यूडी कहती है एमसीडी ने सफाई नहीं की, एमसीडी कहती है पीडब्ल्यूडी ने सफाई नहीं की, और इस बार तो दोनों की ही सत्ता आम आदमी पार्टी के पास है, लिहाजा ऐसे में बीजेपी आक्रामक हो जाती है कि नालों की सफाई दोनों जगहों पर आपकी सिविक एजेंसी है पीडब्ल्यूडी है और एमसीडी के अंदर आपकी सत्ता है फिर भी क्यों नहीं हो पाई, वो अलग घोटालों का आरोप लगाते हैं। दिल्ली सरकार अटैक करती है कि देखिए हरियाणा सरकार के अधीन आते हुए जो 5 गेट्स थे उनको समय रहते खोल दिया गया होता तो ये बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना होती। ये दिल्ली सरकार क्लेम करती है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न जो कनाल है हथनी कुंड से जो डाइवर्जन होता है पानी का वो यूपी और हरियाणा की सीमा में क्यों नहीं डाला गया, तो ये एक तरह से मैन मेड डिज़ास्टर बना है या पॉलिटिकल मेड डिज़ास्टर हुआ है। ये बॉल गेम हमें दिल्ली वालों को हमेशा देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लिहाजा लोगों को भी समझना होगा कि किस तरह से वो इस राजनीति को समझते हैं, चूंकि साल दर साल इसी तरह से अगर आप अभिशप्त होते रहें, सरकारों को कोसते रहे या फिर ये खेल होता देखते रहे कि जिम्मेदारी उसकी थी फलाना की थी, तो जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का वक्त है, लिहाजा प्रशासन को ये समझना होगा कि पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। जो आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले अश्विनी कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते हैं लेकिन एक अधिकारी जो दिल्ली सरकार के अंदर इतने बड़े पद के ऊपर है वो अपने सरकार के मंत्री के खिलाफ ही कहता है कि ये मंत्री पॉलिटिक्स करता है, तो ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड बयान है जो दिल्ली की राजनीति में इससे पहले नहीं देखने के लिए मिले थे, लिहाजा ये जो रस्साकशी है उसका खामियाजा शायद दिल्ली वालों को देखना पड़ रहा है। और ये भी कहें कि अपनी लाचारी छिपाने के लिए तरुण नेताओं के पास पॉलिटिक्स का सहारा लेने के अलावा कोई उपचार बचता नहीं। बिल्कुल, आपने जिक्र किया 1993 से इस वक्त हम 2023 में हैं, 30 साल हो गए, 3 दशक गुजर गए लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जबकि परेशानी लगातार बढ़ी रही। आप मेरे साथ बनी रहिएगा। गाजियाबाद से पीयूष गौड़ भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, गाजियाबाद में हिंडन उफान पर है, गाजियाबाद उसके बाद नोएडा में हिंडन ने क्या कुछ किया है ये तस्वीरें हमने देखी है, दुनिया ने देखी है। इस वक्त गाजियाबाद में हिंडन के जो बिल्ट है वहाँ पर क्या स्थिति है, तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं NCR के शहरों का इस वक्त हाल बेहाल है। मॉनसून का इंतज़ार लोग कर रहे थे,
लेकिन मॉनसून से लोगों को राहत तो मिलती है, लेकिन थोड़ी सी राहत कई गुना परेशानी लेकर आती है। लगता है संपर्क नहीं हो पाया। तरुण मेरे साथ जुड़े थे। तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।